दोस्तों, आज हम सेल्फ हिप्नोसिस के बारे में बात करेंगे, यानी आत्म सम्मोहन के बारे में बात करेंगे। सम्मोहन का नाम सुनते ही बहुत सारे लोगों के अंदर बहुत सारी नेगेटिविटी भरी हुई है। सम्मोहन के बारे में आमतौर पे ये बोला जाता है कि हाँ जी, उसमें तो बड़ा उठा काम होता है, बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, वो आपसे कुछ भी करवा लेते हैं। सम्मोहन करने वाला व्यक्ति आपसे कुछ भी करवा लेता है, आपको पत्थर बना देता है। ऐसी बहुत सारी नेगेटिविटी फैलाई गई है। अनफॉर्चुनेटली वो उन बातों का प्रचार किया गया है जो सिर्फ नेगेटिव हैं। ऐसा होता है कि जो ये कही गई हैं ये बातें, ये होती जरूर हैं कि आपको सम्मोहन करने वाला आपको बोल देता है, आपको पहले क्रिस्टल दिखाता है और क्रिस्टल के जरिए आपकी आंखों को बोझिल करता है, आप जागते जागते भी सो जाते हो गहरे में और अंदर से जागते रहते हो, और उसके बाद आपको सजेशंस दिए जाते हैं। वो कहता है कि आपका शरीर भारी हो रहा है या आपका शरीर हल्का हो रहा है, इस टाइप की कोई भी सजेशन आपको दिए जाते हैं और आपका अवचेतन मन उस बात को मान लेता है और उसके बाद वैसी ही रिएक्शन करता है। तो दोस्तों, ये बहुत नेगेटिविटी फैलाई गई है हिप्नोसिस के बारे में, लेकिन आज हम बात करेंगे सेल्फ हिप्नोसिस की, यानी आत्म सम्मोहन की। हम अपने ही आप को अगर सम्मोहित करते हैं तो वहां पर कोई दूसरा नहीं है, कोई सम्मोहन करने वाला नहीं है, केवल कुछ टेप वगैरह की सहायता से हम अपने आप को सम्मोहित करते हैं और सम्मोहन से बड़े प्यार से बाहर आ जाते हैं। सम्मोहन एक हल्की सी निद्रा होती है जिसमें अंदर से आप जागते रहते हो और बाहर से आप अपने आप को एक रिलैक्स स्टेट में ले जाते हो और कुछ पॉजिटिव सजेशंस को रिपीट करते हो, दोहराते हो। उसकी एक प्रक्रिया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे सम्मोहन दूसरा व्यक्ति आपको करता है वैसे ही आप खुद को सम्मोहित करते हो। इसको सम्मोहन की बात समझने से पहले, सेल्फ हिप्नोसिस को समझने से पहले, हम ये समझ लें कि हमारे मन के दो लेवल होते हैं। एक कॉन्शियस माइंड है जो तर्क करता है, लॉजिकल माइंड है, और एक सबकॉन्शियस माइंड है जिसको सुसुप्त मन भी कहते हैं, सोया हुआ मन भी कहते हैं। ये तर्क नहीं करता, इसमें केवल पिक्चर्स होती हैं और जो भी इसको कहा जाता है उसका आज्ञा का ये पालन करता है। हमारी जो चीज, जो बातें हमें याद रखनी है, वो हमारी जैसे कंप्यूटर में अगर आप कहें रैम होती है और हार्ड डिस्क होती है, तो रैम जो है हमारा कॉन्शियस माइंड की तरह से है। जो चीजें अभी हमें याद रखनी है वो हमारी रैम में प्रोसेस होती है, हमारा लॉजिकल माइंड वहां काम करता है। तो तर्क से जो काम होता है वो हमारा लॉजिकल माइंड होता है, चेतन मन होता है, और जो सबकॉन्शियस माइंड है वो हमारी हार्ड ड्राइव की तरह से है, उसमें सब स्टोर रहता है और एक गिवन टाइम में, स्पेशली नींद के टाइम में, वो चीजें आपको प्रोजेक्ट करता है। आपकी जो भी इच्छाएं दबी हुई रह जाती हैं वो वहां प्रोजेक्ट करता है। कोई भी चीज आप सोचिए, जिस चीज के बारे में आप दिन भर सोचते रहे हो, रात को उसी तरह के सपने आपको आते हैं। आपने दिन भर अगर उपवास रखा है, आपने अगर व्रत रखा है, उपवास रखा है, सारा दिन में कुछ नहीं खाया, ये अधिकतर लोगों को रात को खाने के ही सपने आते हैं। इसी तरह से दोस्तों, और जिस भी तरह की बातें हमारे अंदर चल रही होती हैं, मार काट के विचार, जो भी अगर नेगेटिव विचार चल रहे हैं तो नेगेटिव ही रात को दिखाई देता है, और अगर पॉजिटिव चल रहा है तो लगभग पॉजिटिव ही दिखाई पड़ता है। तो इस साइंस को समझते हुए हमें सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने की विधि सीखनी है, विच इज कॉल्ड सेल्फ हिप्नोसिस। यानी अगर हम अपने सबकॉन्शियस के अंदर कोई बात बैठा दें, वो हमारी लाइफ का पार्ट बन जाती है। जैसे कितनी बार ऐसा होता है कि हम सुबह उठना चाहते हैं, कौन नहीं सुबह जल्दी उठना चाहता, बहुत अधिकतर लोग कोशिश करते हैं सुबह जल्दी उठें, यानी एक्सरसाइज करें, मुझे एक्सरसाइज करनी है, ऐसा हम सब सोचते हैं। कई बार अलार्म भी लगाकर रात को सोते हैं, लेकिन सुबह जो है, रात को जो डिसीजन लेने वाला मन था वो कॉन्शियस माइंड था कि हमने अलार्म लगाया कि सुबह उठना है और एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज बॉडी के लिए बहुत जरूरी है,
लेकिन रात सुबह जब हम उठते हैं उस समय में हमारा सबकॉन्शियस माइंड सारी रात एक्टिव रहा होता है, और सुबह हम खुद ही उस अलार्म को हम बंद कर देते हैं। बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं चलता कि हमने अलार्म कब बंद किया और दोबारा से सो गए, क्योंकि सबकॉन्शियस को पता है कि नींद बड़ी मजेदार है, नींद से बढ़कर कुछ और नहीं, आपकी सेहत भी नहीं। अब क्या इस सबकॉन्शियस माइंड को चेंज किया जा सकता है? क्या मैं इसमें अपनी मर्जी से कुछ आदतें इंसर्ट कर सकता हूँ, इंजेक्ट कर सकता हूँ? अगर ऐसा हो पाए, हाउ नाइस इट विल बी, आप सोच सकते हैं। यानी किसी भी तरह की पॉजिटिविटी मैं अपने अंदर भरना चाहता हूँ, किसी भी दुख को मैं भुलाना चाहता हूँ, अपने माइंड के सेटअप को चेंज करना चाहता हूँ। जैसे अधिकतर बहुत सारे लोगों का मन हमेशा जो है चिंता ज्यादा करता है, या लोगों को बहुत सारे फोबियाज होते हैं, डर होते हैं तरह तरह के, या लोगों को कई तरह की जो है गलत आदतें पड़ी हुई हैं, बहुत सारी चीजें लत पड़ी हुई है, हैबिट्स पड़ी हुई हैं, जैसे स्मोकिंग की हैबिट है, छोड़ना चाहते हैं लेकिन नहीं छोड़ पाते। तो दोस्तों, इन सारी चीजों का जो जवाब है वो ये है कि हाँ, हम ये सब कुछ बदल सकते हैं। हम ये समझ लें कि आदतें कैसे पड़ती हैं, तो हमें ये भी समझ में आ जाएगा कि आदतें कैसे चेंज की जा सकती हैं, छोड़ी जा सकती हैं। अब देखिए, कोई भी चीज, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति ने कभी खाने में कुछ में कोई खास चीज उसने खाई और उसे वो अच्छी नहीं लगी। मान लीजिए उसने आलू गोभी खाई, उसे अच्छी नहीं लगी। तो एक बार उसने ऐसा हुआ या दो बार ऐसा हो गया, और तीसरी बार वो अपने आप उससे नफरत करनी शुरू कर देगा। मन को एक आदत पड़ी है कि नहीं, आलू गोभी बेकार ही होती है। मैं उदाहरण के तौर पे बहुत छोटी सी बात कही है। इसी तरह से आप देखिए, कोई भी चीज इसी तरह से रिपीट करते करते ना हमारा मन नेगेटिव चीज की आदतें बना लेता है। आप देखिए, अखबारों में, टीवी में, या आमतौर पे लोगों के माइंड जो है इतने नेगेटिव हैं, वो हमेशा ये गलत हो गया, वो गलत हो गया, ऐसा ये भी गलत है, वो भी गलत है, इस तरह की नेगेटिविटी वो फैला के रखते हैं, और यही नेगेटिविटी हमारा मन ग्रहण करता रहता है, और उसी के हिसाब से प्रोग्राम होता रहता है। सब कुछ गलत है, सब कुछ गलत है। जब गलत 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 दोहराते हैं, तो ये समझ लीजिए कि अस्तित्व भी, हमारे भगवान या परमात्मा भी हमें तथास्तु कह देता है कि ठीक है, जैसा तुम कहोगे वैसा हो जाएगा। अब हमने अपने आप को पॉजिटिव बनाना है, हमने अपनी आदतों को बदलना है। जैसे मान लीजिए यही व्यक्ति जिसको एक आदत पड़ी हो कि मुझे ये नहीं अच्छा लगता, वो नहीं अच्छा लगता, खाने में ये पसंद नहीं है, वो पसंद नहीं है, क्या ही अच्छा हो कि भाई ठीक है, जो मिल जाता है इट्स वेरी नाइस। तो अपने आप को एक आदत डालनी है, इस सेल्फ हिप्नोसिस के द्वारा अपने आप को एक रिलैक्स स्टेट में ले जाकर आपने ये चीज दोहरानी है कि मुझे ये चीज अच्छी लगती है। हमेशा पॉजिटिव टर्म में बात करनी है, समझिएगा, इसे ऑटो सजेशन बोला जाता है, आत्म सुझाव, अपने आप को दिए गए सुझाव। जैसे दूसरा हिप्नोटाइज करने वाला व्यक्ति देता था, हिप्नोटाइज करने वाले लोग जो होते हैं वो एक क्रिस्टल आपको दिखाते हैं, कहते हैं कि क्रिस्टल को देखो, इसके देखते देखते आपकी आंखें भारी हो रही हैं, आपको नींद आ रही है, आप आंखें खोल के रखने का प्रयास करो, लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि आप आंखों पर कंट्रोल नहीं रख पाओगे, धीरे धीरे आपकी आंखें बोझिल हो जाती हैं, आप एक गहरी सम्मोहन की निद्रा में चले जाते हो। उसके बाद आपको वो सजेशंस देता है, जो ये सजेशंस आपके कॉन्शियस माइंड को बाईपास कर जाते हैं और सीधे सीधे सब कॉन्शियस में प्रवेश कर जाते हैं। मान लीजिए यही चीज एक पॉजिटिव वे में, सबकॉन्शियस में आप खुद ही डाल पाए तो कितना ही बढ़िया हो। जो आप चाहें बिल्कुल वैसा ही, जैसे आप चाहते हैं कि आप हमेशा स्माइल करते रहें, मुस्कुराते रहें, जीवन में खुशियां ही खुशियां हो, आपकी नेचर में प्रेम हो, खुशियां हो, आनंद हो जीवन के अंदर, अगर ये चाहते हैं तो इस तरह के ऑटो सजेशंस बनाए जा सकते हैं, अपने आप को फीड दी जा सकती है। ऐसा करने से आपका अवचेतन मन उसी काम के लिए प्रोग्राम हो जाता है। और दोस्तों, जैसा आपका अवचेतन है, ये समझ लीजिए कि परमात्मा का एक रूप आपके अगर अंदर है,
तो वो आपका अवचेतन मन है। ये अवचेतन मन जो है बहुत गहरे में, यानी बहुत गहरे में ये जुड़ा हुआ है अस्तित्व से। आप इसको जो कहते हो ये मान लेता है, तर्क नहीं करता। जो कॉन्शियस माइंड है वो तर्क करता है। जिस माइंड से अभी आप बात सुन रहे हैं ये तर्क करने वाला माइंड है। लेकिन एक बार इसको ये बात समझ में आ गई ना, तो ये धीरे धीरे सबकॉन्शियस में प्रवेश कर जाती है और आप याद रखते हो कि मेरे टीचर ने या मेरे उस व्यक्ति ने ये बात मेरे को कही थी, और सारा जीवन हो सकता है आपका उससे बदल जाए। तो वो पॉजिटिव चीज सीधी सीधी आपके सबकॉन्शियस में चली गई है। तो अब हम उसी टेक्निक को सीखने का प्रयास कर रहे हैं कि अपने आप को वही पॉजिटिव सजेशंस हम दे पाए जैसा हम रियली रियली बनना चाहते हैं। तो उसके लिए दोस्तों अभी हमारी आगे कुछ वीडियोस हैं जिसमें हम सेल्फ हिप्नोसिस का प्रोसेस, केवल ऑडियो है एक्चुअली वो, तो उस ऑडियो को आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, सुन सकते हैं अलग से। तो उसमें आप अगर सुनेंगे तो वो आपको हिप्नोटाइज, सेल्फ हिप्नोटाइज करने के लिए उसमें कुछ एक ऑटो, एक सेल्फ हिप्नोसिस प्रिपरेशन नाम की एक फाइल है जो प्ले करते हैं, तो वो अपने आप को हिप्नोटाइज स्टेट में ले जाने में आपकी हेल्प करती है। उसमें सजेशंस हैं, जो कहा जा रहा है आप उसको एज इट इज फॉलो करते रहें कि आप 1 से 10 तक गिनती गिनते गिनते धीरे धीरे रिलैक्स हो रहे हैं, इस तरह से उसमें बताया जाता है। और 10 की गिनती के साथ ही आपका, आप पूरी तरह रिलैक्सेशन स्टेट में चले जाएंगे। और उसके बाद जैसे ही वो काम पूरा होगा, मतलब फर्स्ट वाली वो रिकॉर्डिंग पूरी होगी, उसके बाद आप रियल सजेशंस देने शुरू करेंगे जो आप रियली चेंज करना चाहते हैं। जैसे आप ये कहेंगे कि यस, मेरी मेमोरी पावर बढ़ रही है, मेरी कंसंट्रेशन बढ़ रही है, ये एक एक शब्द को, एक एक लाइन को 3-3 बार रिपीट किया जाता है, और उसके साथ आप अपने इमोशंस भी जोड़ते हैं। जब मैं कह रहा हूं कि मेरी मेमोरी बढ़ रही है, तो मेरी मेमोरी रियली, मैं कल्पना भी साथ में, पूरी पावर भी साथ में लगाता हूं कि मेरी मेमोरी बढ़ रही है। इसी तरह से मुझे फ्यूचर में कुछ पाने की इच्छा है, जैसे मैं डॉक्टर बन गया हूं। जीवन में आप चाहते हैं, आप कुछ बनना चाहते हैं, तो जो इच्छा है उसको उपलब्धि मान लें। उदाहरण के तौर पर एक अच्छा सुंदर बंगला खरीदने की आपकी इच्छा है लेकिन अभी प्राप्ति नहीं है, तो जो इच्छा है उसको उपलब्धि मान लें कि वो मेरे को मिल चुका है। ये बंगला मेरा है, ये बंगला मेरा है, ये बंगला मेरा है। बार बार अपनी कल्पना में पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। आप कहेंगे ये बातें तो हमने पहले ही बहुत बार कर रखी हैं, दिल में इच्छाएं तो बड़ी पैदा हुई हैं, बड़े बड़े हमने ख्याल बनाए, लेकिन होता तो नहीं। दोस्तों एक बहुत बड़ी कमी रहती है, हम जो पॉजिटिव सजेशन अपने आप को देते हैं, थोड़ी ही देर में हमारा माइंड जो है, पहली बात तो हमारा माइंड स्थिर नहीं होता, उस चीज के ऊपर पक्का नहीं होता, और दूसरी बात जो सजेशन हम देते हैं थोड़ी देर बाद हम खुद को ही नकार देते, नहीं यार ये तो नहीं हो सकता। अब देखिए अपने आप को हम फिर नकार देते हैं, जो हमने कहा फिर उसी को खुद ही नकार दिया। इसीलिए वो हमारी इच्छा केवल इच्छा रह जाती है, प्राप्ति नहीं बन पाती, उपलब्धि नहीं हो पाती। उसके लिए एक पॉजिटिव स्टेट क्रिएट करनी है और उसको रिपीट करना है। आपको छोटे से एग्जांपल से बात समझ आ जाएगी। आप केवल ये रिपीट करें, स्माइल 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 स्माइल, ऑलवेज स्माइलिंग, आई एम ऑलवेज स्माइलिंग, ऑलवेज स्माइलिंग, ये करके देखिए केवल इतना। अभी हम कोई इसमें कुछ नुकसान वाली बात नहीं है, स्माइल नहीं भी करेंगे तो आपका नुकसान तो नहीं होगा। आप ये करके देखिएगा, अपने आप को थोड़ा सा फर्स्ट वाली हम ऑडियो सुन के, रिकॉर्डिंग सुन के रिलैक्स स्टेट में, अगर नहीं भी सुनना चाहते इट डजंट मैटर, आप खुद अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं। बट ये है कि थोड़ा सा एक बार प्रैक्टिस चाहिए उसके लिए, तो वो आपको हेल्प मिल जाएगी। तो वो हेल्प लेने के बाद एक बार आप केवल इसके लिए चेंज करके देखिए, लगातार 5 या 6 दिन आप ये चीज सुनिए, बार बार रिपीट कीजिए, हाँ आई एम ऑलवेज स्माइलिंग, आई एम ऑलवेज जॉयफुल, आई एम ऑलवेज जॉयफुल, और देखिए 2-4 दिन के अंदर अंदर ही आपके अंदर चेंज आता है। बाय डिफॉल्ट बिना आपके चाहे स्माइल आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट बन जाएगा, खुशियां आपके जीवन का पार्ट बन जाएंगी, हिस्सा बन जाएंगी।
इसी बात को रिपीट कीजिए, देखिए चेंज होता है या नहीं होता, इट जस्ट प्रैक्टिकल, पता चलेगा, बहुत कुछ पता चलेगा। इसी तरह से किसी भी तरह की पॉजिटिविटी क्रिएट करनी है, लेकिन कभी भी ना नेगेटिव शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना। जैसे मान लीजिए आप मोटापा है शरीर में और आप अब कम खाने वाला अपने आप को सजेशन देना चाहते हैं, तो ये नहीं कहना कि मैं मोटा नहीं हूं, मैं मोटा नहीं हूं, इस तरह से नहीं कहते हुए, हाँ मैं पतला हो रहा हूं, मेरा अपने आप पर पूरा कंट्रोल है, मेरा अपने खाने पर पूरा कंट्रोल है, मैं कम खाता हूं, मैं कम खाता हूं। ये नहीं बोलना कि मैं ज्यादा नहीं खाता, ये नहीं बोलना। हमेशा पॉजिटिव, हमारा अवचेतन मन जो है वो केवल पॉजिटिव ना वाले शब्दों को नहीं समझता, क्योंकि इसमें केवल पिक्चर बनती है, केवल फोटो हमारे अंदर जाती है, पिक्चर जाती है। जब हम कुछ शब्द बोलते हैं वो पिक्चर हमारे अंदर चली जाती है। तो मैं कम खाता हूं, कम, थोड़ा थोड़ा, एक फुल्का खाता हूं, इस प्रकार से। तो तली हुई चीजों से परहेज करता हूं, नहीं करता मतलब नहीं खाता। तली हुई चीजों का नाम नहीं लेना, किसी भी नेगेटिव चीज का जो आप छोड़ना चाहते हैं उसका आपने नाम नहीं लेना, मन ने उसी को पकड़ लेना, जो पिक्चर आप दिखाओगे इसने उसको पकड़ लेना, उसकी ऑपोजिट चीज को अपने आप को दिखाओ। ये नहीं कहना कि मैं किसी से नफरत नहीं करता, ये नहीं बोलना, मैं सबसे प्रेम करता हूं, उसकी ऑपोजिट पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव वाली फीड हमें अपने आप को देनी है। और जो भी इच्छा है उसको उपलब्धि मान लेना है, इस तरह से जो मैं बनना चाहता हूं वो मान लेना है कि वो मैं कर चुका हूं, ये मानना है पूरी तरह से। तो दोस्तों इस टेक्निक का इस्तेमाल करके बहुत कुछ बदला जा सकता है, बहुत कुछ रियल चेंज हमने लोगों के अंदर आते हुए देखा है। आपको भी सजेशंस है केवल कि ट्राई करके देखिए कुछ चेंज आता है या नहीं आता। लेकिन कुछ समय तक रिलीजियसली फॉलो करना, दृढ़ता से फॉलो करना, देखना चेंज आता है, आएगा और जरूर आएगा, वेरी वेरी मच श्योर इट विल डेफिनेटली चेंज योर लाइफ। जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। और सचमुच जब हम भी परमात्मा के एक अंश हैं, हम जब ये ठान लेते हैं कि मुझे अपने आप में पॉजिटिव चेंज लेकर आना है, आई कैन डू इट, आई कैन चेंज इट द वे आई वॉन्ट, मेरा मन मेरे कंट्रोल में होना चाहिए, जैसा मैं चाहूं वैसा हो, ये नहीं कि मैं तो आदत से मजबूर हूं जी मैं क्या करूं। देखिए ये सब आदत से मजबूर हूं, हम हार मान लेते हैं अपने आप से, तो अपने आप वैसा ही कुदरत हमारे साथ कर देती है। हम कह देते हैं कि हम तो बीमार हैं जी, हम तो लाचार हैं जी, मैं कुछ कर नहीं सकता जी, मेरे बस से बाहर है, मैं ये जिम्मेदारी नहीं ले सकता, ये सारी नेगेटिव बातें हैं। जैसे जैसे हम ये नेगेटिव बातें रिपीट करते हैं वही हमारे अस्तित्व का हिस्सा बन जाती है, हमारी आदत बन जाती है। इसीलिए दोस्तों अपने आप को पॉजिटिव वर्ड्स का ही इस्तेमाल करना है। हो गया है, हो रहा है, यस आई कैन डू इट, आई एम बिकमिंग पॉजिटिव, आई एम बिकमिंग हेल्दियर, आई एम ऑलवेज स्माइलिंग। जैसे ही अभी बातें कहते हो अपने आप अंदर एक मैसेज आता है, खुद को भी खुशी होती है अंदर से, और धीरे धीरे वो आपके अस्तित्व का हिस्सा बन जाता है, आपकी नेचर का पार्ट बन जाता है। तो दोस्तों लेट्स चेंज आवरसेल्फ, लेट्स हैव कंप्लीट कंट्रोल ऑफ आवर माइंड्स और कैपेबिलिटी। कहिए कि हम भी परमात्मा के अंश हैं और हम पूरी तरह जो चाहते हैं वही होता है। थैंक यू दोस्तों, आगे की जो वीडियोस हैं वो आपको उसके प्रोसेस के बारे में बताएंगी, ये वर्ड्स कैसे रिपीट करने हैं वो आपको उसके बारे में बताएंगे।